हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूँ सोनिया शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कढ़ी चावल किसको पसंद नहीं है। आज की हमारी रेसिपी है पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए लेंगे हम ब्लेंडर में आधा किलो खट्टा दही। आधा किलो दही की कढ़ी लगभग 5 से 6 लोगों के लिए काफ़ी होगी। अगर आपको कढ़ी थोड़ी ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दें। क्योंकि हम आधा किलो दही की कढ़ी बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर कर बेसन। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप नॉर्मल दही को भी फ्रिज में से बाहर 5 से 6 घंटे के लिए निकाल कर रख सकते हैं, जिससे कि उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, क्योंकि कढ़ी तो थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 250 ml के जितना पानी, और कढ़ी में हम पानी बाद में और भी ऐड करेंगे, अभी बस इतना ही डालना है। और इसको हम मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो देखिए हमारा बेसन, पानी और दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए बनाते हैं अब अपनी पंजाबी कढ़ी, क्योंकि पंजाबी कढ़ी बनाने का मज़ा तो सरसों के तेल में है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी कढ़ाही में लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाए तो पानी और नमक का इस तरह से छींटा लगा देंगे, जिससे कि सरसों के तेल की धास कम हो जाती है और इसका रंग भी साफ हो जाता है। और अब इस गरम तेल में हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना। आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को इस टाइम पे लो कर लें, नहीं तो जो भी मसाला आप इसमें डालेंगे वो डालते ही जल जाएगा, तो इसलिए फ्लेम को लो कर लें। अब डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग कढ़ी को एक अच्छा फ्लेवर तो देगा ही, साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जब मेथी दाने का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और इसको हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से कटे हुए प्याज और 10 से 12 कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इनको भी हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपने मसाले, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा थोड़ा कम खाते हैं तो इसको 1/2 चम्मच भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और बस इनको हल्का सा मिक्स करते ही इसमें हम डाल देंगे दही और बेसन का मिक्सचर। जैसे ही आप दही और बेसन का मिक्सचर डालें, इसको तुरंत ही चलाना शुरू कर दें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 लीटर तक पानी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। हम इसमें नमक डालेंगे लेकिन बाद में। अगर इसमें हम अभी नमक डालेंगे तो कढ़ी हमारी फट सकती है और उसमें दही के छोटे छोटे दाने पड़ सकते हैं, तो इसलिए अभी हम इसमें नमक नहीं डाल रहे। तो बस अभी हमारा काम है कढ़ी को पकाने का, और जो हम करेंगे इसको चलाते हुए। और ये काम हम तब तक करेंगे जब तक इसमें पहला उबाला नहीं आ जाता, क्योंकि एक अच्छी कढ़ी बनाने का यही टिप है कि आप इसको पहला उबाला आने तक
हल्के हल्के हाथों से चलाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी में पहला बॉईल आ चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसको आराम से पकने देंगे, क्योंकि कढ़ी जितना पकेगी उतना ही अच्छी बनेगी। तो चलिए, कढ़ी जब तक पकती है हम इसके लिए पकोड़े तैयार कर लेते हैं। क्योंकि हम पंजाबी कढ़ी बना रहे हैं तो इसमें हम पकौड़े डालेंगे पालक के। आप चाहें तो खाली बेसन के भी पकौड़ियाँ बना सकते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने 250 ग्राम पालक और 3 चम्मच भरकर बेसन। और आप चाहें तो आलू या प्याज के पकौड़े भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। आप जिस चीज़ के भी चाहें पकौड़े बना सकते हैं। अब बेसन में ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। बस यहाँ पर इतना सा ध्यान रखें कि इसमें नमक ज़्यादा ना डालें। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच साबुत धनिया। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साबुत धनिया पकोड़े को एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। और इनको मिक्स कर लें, और इसके बाद डाल देंगे इस तरह से कटा हुआ पालक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हाथों से ही मिक्स कर लें। इसमें हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। अगर आपको कढ़ी में पकोड़े थोड़े से सॉफ्ट पसंद हैं तो आप इसमें आधा पाव चीनो का भी डाल सकते हैं, उससे पकोड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी अभी भी पक रही है, तो इसको भी थोड़ा सा और पकने ही देंगे। बस इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। जब कढ़ी पक रही होगी तो उसके ऊपर इस तरह से मलाई आ जाएगी, जो कि एक निशानी है कढ़ी के अच्छे से पकने की। तो बस आपको और कुछ नहीं करना है, बस इसको बीच बीच में चलाते रहना है। तो चलिए, इतने में हम अपनी कढ़ी के लिए पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए ले लेंगे हम 1 पैन में तेल, और अब गैस की फ्लेम ऑन करके इसको हम गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने पालक के पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़े का साइज हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। 1 पकोड़े के लिए हमने लगभग आधा चम्मच ही बैटर लिया है, जिससे कि पकोड़े का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो। आप चाहें तो पकोड़े हाथ से भी बना सकते हैं, बस पकोड़े का साइज ज़्यादा बड़ा ना करें। और अब इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर आराम से फ्राई होने देंगे, ताकि अंदर तक ये सिक जाएं। और इनको बीच बीच में उलटते पलटते सेकना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं।
और जब इस तरह से पकोड़े का रंग हो जाए तो आप इनको निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने कढ़ी बनाना शुरू किया था तो कढ़ी का लेवल इतना था और अब कढ़ी पककर इस लेवल पर आ चुकी है। तो इट मीन्स हमारी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है और अब इसमें समय आ गया है नमक डालने का। तो इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पालक के पकोड़े जो अभी हमने फ्राई किए हैं। अगर आप चाहें तो पकोड़े पैन से निकालकर डायरेक्ट कढ़ाही में भी डाल सकते हैं। पकोड़े डालने के बाद इसमें हम एक अच्छा सा उबाला लगाएंगे। उबाला लगाने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि अब हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। कढ़ी तैयार हो चुकी है तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। रुकिए फ्रेंड्स, अभी कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम कढ़ी को देंगे एक फाइनल टच, जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए हम एक तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी ले लेंगे। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। और जैसे ही मिर्चें हल्की सी भुन जाए तो हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। और फ्लेम को ऑफ करते ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इनको मिक्स करके तभी की तभी हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब आपकी कढ़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब इसको आप वाइट राइस के साथ टेबल पर सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको परांठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। परांठे के साथ भी कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि कढ़ी कैसी बनी। प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।